मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी स्कूल केयर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन। दिस क्लास फॉर क्लास फर्स्ट और चैप्टर नंबर इज 8। चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 41। चैप्टर नेम एनिमल होम्स, मतलब कि एनिमल्स क्या होते हैं, जानवर, होम्स यानी घर। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ाई करेंगे, क्या रीड करेंगे, जानवरों के घरों के बारे में। आप सभी के भी घर होते हैं, तो इसी तरह से जानवरों के भी घर होते हैं। लास्ट क्लास हमने ना रीड किया था कि जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। कुछ जानवर माउंटेन पे रहते हैं, कुछ सी क्या होते हैं, समुद्र, कुछ समुद्र में रहते हैं कुछ क्रिएचर्स, और कुछ डेजर्ट पे, और कोई एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फार्म हाउस पे रहते हैं, कोई ट्री ट्रंक में रहते हैं। ट्री ट्रंक में ये देखो जो पेड़ तना जो होता है ना पेड़ का, उसके अंदर खड्डा करके भी कुछ एनिमल्स अपना घर बना लेते हैं। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। कुछ कहाँ रहते हैं, कुछ ग्रास लैंड। अब अपन आज से नया पैराग्राफ रीड करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान लगा के देखना है। हमने इस चैप्टर में रीड किया, कुछ एनिमल्स होते हैं जो माउंटेन पर्वत पर रहते हैं, पहाड़ों में, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ डेजर्ट रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ फार्म हाउस पे रहते हैं जो पेट एनिमल्स होते हैं, और कुछ ट्री ट्रंक में रहते हैं। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं, है ना, कि और एनिमल्स का घर कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट देखो, ऑन ब्राइट सनी ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ये तो ग्रासलैंड, ये देखो ये जो है ना, ये क्या है, ग्रासलैंड। एकदम खुली खुली जगह में बहुत सारी ग्रास आई हुई होती है और उसको क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड। तो ऑन ब्राइट सनी मतलब कि बहुत ज्यादा तेज धूप और उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, ग्रासलैंड। वहां पर भी कुछ एनिमल्स अपना घर बना के आराम से वहां पे रहते हैं। फिर है और इन डार्क केव्स। केव्स क्या होती है, गुफा। केव्स क्या होती है, गुफा। जो टाइगर लॉयन है, ये देखो लॉयन कहाँ रहता है, गुफा के अंदर रहता है। तो कुछ एनिमल्स ग्रासलैंड पे रहते हैं एकदम खुले में, कुछ किस में रहते हैं, डार्क केव्स मतलब गुफाओं में रहते हैं। इन जंगल्स एंड फॉरेस्ट, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। वेयर, वेयर यानी क्या होता है, जहां, WHERE, वेयर यानी जहां। ऑल, ऑल यानी सब। मस्ट बी ब्रेव, ब्रेव यानी क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है ना, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव यानी क्या होता है, बहादुर। तो जो एनिमल्स होते हैं वो सभी अपने घरों के अंदर एकदम बहादुरी की तरह रहते हैं। जैसे आप लोग अपने घर के अंदर एकदम ब्रेव नहीं रहते, बहादुर नहीं रहते, मतलब आपको किसी का भी डर नहीं लगता। आप अपने घर में रहोगे तो आपको किसी से डर लगेगा क्या, नहीं। तो उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने अपने घरों में बहुत ही बिना डर के रहते हैं, ब्रेव रहते हैं एकदम, उन्हें किसी चीज का कोई भी डर नहीं रहता है। ऑन आइस, आइस क्या होती है, बर्फ। इन द आर्कटिक, जो कुछ एनिमल्स किस में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, उनका होम कहाँ होता है, बर्फ में। और होल्ड अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड क्या होता है, जमीन के नीचे। अंडरग्राउंड कौन सा हिस्सा होता है, जो हमारी जमीन होती है उसके नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, अंडरग्राउंड। तो होल यानी क्या होता है, खड्डा। तो होल, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जमीन के अंदर खड्डा करके उसके अंदर रहते हैं। जैसे कि देखो स्नैक, स्नैक भी जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, और माउस, माउस भी बिल बना के रहते हैं। There are so many places, बहुत सारे ऐसी जगह हैं। Places यानी क्या होता है, PLACES, places यानी जगह। So many, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, where यानी जहां, creatures यानी जीव जंतु are found, found यानी वहां मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर हमें एनिमल्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर किसी को एनिमल्स देखने होते हैं या एनिमल्स का घर जानना होता है तो उन्हें पता होना चाहिए ना एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, इस चैप्टर में आपने ये लर्न किया कि एनिमल्स के जो भी होम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारे घरों में रहते हैं, फार्म हाउस पे रहते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो सेल्फ अपने आप अपना घर बना के वो रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी वर्ड बर्निंग आपको मिल जाएगी, आपको अच्छे से वापस चैप्टर को रीड करना है, आपको रीड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।